हाँ भाई, अब हम आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। वहां पर क्या थे फाइनेंशियल, मैं फिर बोल रहा हूँ फाइनेंशियल जितने भी थे इनको याद करने के लिए हम दोबारा रिवीजन में इसको और याद करेंगे। मैंने कहा सब पॉइंट लिंक करना, लिंक करोगे तो याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। हाँ भाई, अब हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर सबसे पहला स्टेटस। हाँ भाई, क्या बोल रहा है स्टेटस? रैंकिंग ऑफ पोजिशन, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्टीम नीड आर सेटिस्फाइड। हाँ भाई, प्रमोशन मिल गया, सेल्फ स्टीम, वो दुनिया भर में रोड बन गया, वो पहाड़ियों से प्रमोशन मिलने का, जो लड़ाई हुई थी, प्रमोशन मिलने का मतलब मेरा स्टेटस, स्टेटस बढ़ना था ना। हाँ, तो स्टेटस क्या करता है, व्हाट इज स्टेटस? आपकी पोजीशन को बढ़ाना, जो आपको क्या देता है, एक स्टीम मिल गया, सेटिस्फाई करता है। हाँ भाई, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कंपनी के अंदर इतना अच्छा एनवायरमेंट, काम करने में मजा आ रहा है, जैसे कि गूगल का एनवायरमेंट, लोग तरसते हैं गूगल जैसी कंपनी में काम करने के लिए, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय से कहते हैं नहीं भैया कार तो ये नहीं लेनी, तो ये शॉपिंग कंपनी की कार में जाना है, सब कुछ कंपनी, और कंपनी को तूने एक रुपया भी नहीं देना, मन कर रहा है सोने का कोई बात नहीं जा तेरे लिए बहुत अच्छा रूम है सो जा, नहीं कर रहा सोने का मन, खेलने का मन कर रहा है, क्या खेलेगा, ब्लेड खेलेगा, वो खेल ले, चेस खेल, छोटी गेम हो गए, बड़े गेम खेल ले, जो भी करना है। क्या क्रिएट कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अगर अच्छा क्लाइमेट है, हाँ भाई, लोग हेल्दी एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो क्या होगा? हाँ भाई, हेल्दी एनवायरमेंट में तो मोटिवेशन उनके लिए, और अगर एनवायरमेंट गंदा है तो क्या हो जाएगा, डी मोटिवेशन मिल सकता है उन्हें। तो डेवलप बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, ये सब होना चाहिए। जैसे कि अभी तुम देख रहे होगे, अभी जो हम लोगों ने रखा हुआ है कि इसके अंदर जो भी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है वो रिवॉर्डेड होगा, ये किस लिए? एक अच्छा क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो अच्छे हैं, जो पढ़ने को लेकर एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो ऐसे में उनके लिए मे बी एक तरह का मोटिवेशन काम करेगी, मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है। बचपन में मुझे याद है कि अगर कोई रेस होती थी, कुछ भी होती थी, उसके पीछे गिफ्ट अगर लग गया तो मुझे तो गिफ्ट का लालच होता था, रेस क्या जीतनी है, मुझे तो वो चाहिए, तो उसके लिए फिर जैसे भी जीजा लगा देते थे। तो बात वो नहीं है कि बड़ा है छोटा है, उससे क्या मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है कि मैंने उस टास्क को पूरा कर किया जिसकी वजह से मुझे ये चीज मिली। थर्ड वन, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। हाँ भाई, मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरी डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, कंपनी मुझे कहीं भेजती नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी सिखाती नहीं है, कंपनी छोड़ के भाग जाऊंगा। क्यों? पहली नीट पूरी होने तक नहीं भागूंगा, दूसरी नीट पूरी होने तक नहीं भागूंगा, तीसरी नीट पे भी नहीं भागूंगा, तो तीसरी नीट हमें रोक देती है। चौथी नीड हमें रोक देती है। पांचवी नीड हमें उखाड़ देती है। क्यों? नहीं करना, मैं किस लिए पैदा हूं मैं समझ चुका हूं। मैं सबको पता होगा, गूगल जैसी कंपनी जहां दुनिया परेशान है जॉब करने के लिए, फेसबुक जहां दुनिया परेशान है जॉब करने के लिए, सुंदर पिचाई जानते होंगे सभी लोग। हाँ भाई, क्या छोड़कर आया? सुंदर पिचाई भैया सीईओ की पोस्ट छोड़कर आ गया, कौन सी नीड उसकी पूरी नहीं हो रही थी? लास्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पैदा किस लिए हुआ, देश के लिए कुछ करना चाहिए, छोड़कर आ गया। तो पहली चार नीड आदमी को बांध लेती है, जब आदमी पांचवी नीड पे आता है तो उसे कोई नौकरी उसे बांध नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसको कुछ करना है देश और दुनिया के लिए। तो भाई, करियर एडवांसमेंट क्या कह रहा है? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉइज टू इंप्रूव देयर स्किल्स एंड प्रमोटेड टू हायर लेवल। तो हम क्या बोल रहे हैं, करियर एडवांसमेंट, अगर आप किसी को प्रमोशन नहीं दोगे तो वो ज्यादा समय तक स्टेबिलिटी में नहीं रहेगा, वो कंपनी को छोड़ देगा। आपको याद होगा हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था इसी तरह का, कौन सा पॉइंट था वो? अगर आपने प्रमोशन नहीं दी, प्रमोशन दो तरीके की होती है, टाइम बाउंड, हाँ भाई, टाइम बाउंड और परफॉर्मेंस वाइज। अगर टाइम बाउंड होगी तो लोगों को लथार्जिक करेगी। क्यों? 5 साल बाद प्रमोशन होना तो है, 5 साल बाद प्रमोशन होना है, आदमी लथार्जिक हो जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज, अभी 5 साल का टारगेट अभी करता हूं ना, 1 साल के अंदर क्या फायदा मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो मैं टाइम बाउंड जाऊं या यानी ये परफॉर्मेंस वाइज मोटिवेशन देता है, टाइम बाउंड क्या करता है, आपको डीमोटिवेट करता है अच्छे लोगों को। तो करियर एडवांसमेंट की आपका सेटिस्फेक्शन देता है, तो कंपनी को चाहिए कि आपको करियर एडवांसमेंट की जॉब एनरिचमेंट। अभी जॉब एनरिचमेंट क्या कह रहा है? वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट्स रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ वर्क कंटेंट्स, अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल ग्रोथ मेड जॉब मोर इंटरेस्टिंग। मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग, पता नहीं मैं किस किसने फील किया होगा, मुझे तो पता नहीं, अभी आपको जो लास्ट टास्क दिया गया था, जिन लोगों ने वो टास्क पूरा किया,
चंडीगढ़ में भी और यहाँ पर भी, जो मैं कई बच्चों ने बोला कि सर पूरा एक ही क्लाइंब करके किया सर, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस दोबारा से आ गया कि नहीं, इस समय तो फिर लग रहा है सब आता है, अभी के अभी एग्जाम हो जाए साथ के साथ चैप्टर पूरे के पूरे उतार देंगे। हाँ भाई मेरी बात ध्यान सुनना, उन्होंने जब उनको अगर मैं नॉर्मल कहता या फिर आपके स्कूल में बोलते हैं कि टेस्ट है तो बच्चे इतने एनर्जेटिक तरीके से तो नहीं पढ़ते। हमने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था या कुछ क्रिएटिव करने के लिए कहा था? क्रिएटिव जिसमें क्या कहा गया था, पढ़ना नहीं है सिर्फ बनाना है ड्रॉ करना है। कईयों ने ड्रॉ किया, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ क्योंकि वो बोरिंग चीज नहीं थी, वो क्या था अपना ओन क्रिएटिव करो। व्हाट इज जॉब एनरिचमेंट, हम एक टाइम के बाद आकर ना बोर हो चुके होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं अगर मैंने आपको रिवीजन किसी नए पैटर्न से नहीं कराया तो आप रिवीजन पे नहीं आओगे, आप बोलोगे इससे बढ़िया मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ रिवीजन पे। अगर मैंने कुछ नया किया तो आप जरूर आओगे, नहीं यार आप सर कुछ अलग तरीके से करा रहे हैं, आप और अच्छा याद करा रहे हैं। हाँ भाई अगर जनवरी रिवीजन के टाइम पर भी टेस्ट में यही सेम क्वेश्चन आने वाले हैं जो बुक में नहीं दोगे, क्या करना, बुक में दिए तो हैं यहीं से कर लेंगे, यानी वहां पर मुझे कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। यही चीज यहाँ पर दी गई है जॉब एनरिचमेंट, एक लेवल के बाद आके आदमी लेथार्जिक हो जाता है यार, सेम जॉब परेशान हो चुके हैं करके यार, तो ऐसे में कंपनी को क्या करना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके कुछ क्रिएटिव तरीके लेके आने चाहिए जिससे कि उसके अंदर क्या हो वापस से वो आदमी जिए और अपने जॉब को और अच्छा करे। एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी मोदी जी हर दिवाली पर क्या नाम है आर्मी वालों के पास जाते हैं, उनके पास दिवाली बनाते हैं। ये क्या है, पीएम तो ऐसा नहीं करते, हम तो कई सालों से देख रहे हैं कभी पीएम ने ऐसा नहीं किया, उसका भी अपना परिवार है, वो अपने परिवार के पास बिजी रहते हैं। इनका क्या है, इनका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है, मोदी जी का मन किया उसके चले गए पाकिस्तान, वहां पर दोस्त से मिलकर आ गए, दोस्त कौन जो वहां के पीएम है। ये क्या था, ये इसे कहते हैं जॉब एनरिचमेंट, वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं या कुछ अलग करते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख जैसी जगह पे जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं, सांस लेने की दिक्कत होती है, ऐसे कई टीवी एंकर्स हैं जो वहां तक पहुंचे इंटरव्यू लेकर आए। अबे क्या इजी टास्क था, नहीं, कोई रिपोर्टर पहुंच जाए चांद पे जाके रिपोर्टिंग करके लाऊंगा, क्या है वो जॉब एनरिचमेंट, वो नौकरी काम तो कर रहा है लेकिन वो चाहता है काम को और इंटरेस्टिंग बनाए। ध्यान देना, जैसे कि मैं अभी काम करने में लगा पड़ा हूँ, मेरे साथ एक अच्छी चीज क्या है, मैं हमेशा सोचता हूँ नहीं मजा नहीं आ रहा है, कुछ चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, तो चेंज करने के चक्कर में क्या होता है, कुछ नया होता चला जाता है। तो व्हाट इज जॉब एनरिचमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग, अपने जॉब को इंटरेस्टिंग बनाना, कुछ क्रिएटिव करना, उसे कहते हैं क्या जॉब। तो अगर आपका बॉस आपसे कहता है नहीं कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो, क्या घरों की तरह काम कर रहे हो यार, क्या होगा आपके, तो मोटिवेशन आएगा यार बहुत बड़ा, अच्छा यार क्या कर रहा है, इनिशिएटिव लेने का मौका दे रहा है, मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने आप को बेस्ट प्रूव करना चाहिए। हाँ भाई इनिशिएटिव कहां पर कर रहे थे, कौन सा प्रिंसिपल है ये, किसका, हेनरी फ्योल या एफडब्ल्यू टेलर? हेनरी फ्योल का लास्ट प्रिंसिपल क्या है, इनिशिएटिव। कौन देगा इनिशिएटिव, आपका सुपीरियर, अगर वो आपको इनिशिएटिव लेने का मौका दे रहा है फ्री होके अपने मर्जी से काम कर दिया, तो ये करना है यार, क्या बोलेंगे उसको, जॉब एनरिचमेंट, लिख लो उसके सामने इनिशिएटिव। इनिशिएटिव आपको मौका देता है जॉब एनरिचमेंट का कि आप कुछ नए तरीके से जॉब करो। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। हाँ भाई बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये सब क्या है कि आप अपने एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इस चीज को लेकर कि ये बहुत बढ़िया तरीके से इसने पूरे चैप्टर को पूरे 7 चैप्टर को कंक्लूड किया है, हर पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। तो ये क्या है, ये हाँ एक्नोलेजमेंट विद अ शो ऑफ एप्रिसिएशन एंड फील मोटिवेटेड, क्यों आदमी को अच्छा लगता है मैंने एफर्ट्स किए, मुझे क्या किया गया, मुझे रिकॉग्नाइज किया गया, मैं अगली बार और अच्छी मेहनत करूं। जॉब सिक्योरिटी, हाँ भाई जॉब वहां पर लिखा था पेंशन, याद है इधर आया था पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट, यहां पर क्या दिया हुआ है, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या रिटायरमेंट से मिलती है सिर्फ, नहीं, किस बात से भी तो मिलती है, किस बात से, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कैसे, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पर लाना, क्या पैसा दिया, हाँ भाई ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे लेकर आए, ट्रेनिंग दी, क्या ट्रेनिंग का मतलब पैसा तो नहीं है, ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या है, ट्रेनिंग दे रहे हैं तो स्टेबिलिटी दी, हाँ क्या फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है,
नॉन फाइनेंशियल, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम वर्क सो इम्प्लॉइज डू नॉट फील वरीड एंड वर्क विद ग्रेटर जील. तो ये जील कहां से मिलेगी उसको, तो लिख लो क्या, कौन सा पॉइंट लिखना है यहाँ पर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पैसा नहीं मिला, क्या मिला, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया. किस बात का कॉन्फिडेंस, कि हाँ अगर हम इसे करते हैं तो हम अपने टारगेट पूरे कर पाएंगे. नेक्स्ट, एम्प्लॉयर पार्टिसिपेशन. हाँ भाई, बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लिख दो सामने क्या, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. हाँ भाई, देखो सब कुछ लिंक हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं हम बोल सकते हैं कि नई चीज बढ़ रहे हैं, सब कुछ पीछे से लिंक होता हुआ आ रहा है. तो इट इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग ऑफ देयर इशू रिलेटेड टू. हाँ भाई, क्या इसके अंदर मैं मेंटल रिवॉल्यूशन लिख सकता हूँ? हाँ, मेंटल रिवॉल्यूशन का टेक्निक किस चीज के लिए, उनके पार्टिसिपेशन को लेने के लिए. हाँ जी, नेक्स्ट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. एम्पावर करना एम्प्लॉय को, क्या मैं इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकता हूँ? एम्प्लॉय को एम्पावर कर रहा हूं और अथॉरिटी दे रहा हूं उसको, किस बात के लिए, और अच्छा काम करने के लिए, लोग की पावर दी. गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबऑर्डिनेट फील दैट देयर जॉब आर इंपॉर्टेंट. हाँ भाई, जिसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं उसको पता है कि मेरा काम इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे ज्यादा पावर दी गई है. हाँ भाई, मुझे ज्यादा पावर दी गई है. तो ये चीज क्या बताती है कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट करना, एम्पावरमेंट का मतलब तुम जो सोच रहे हो सकता है सही हो. कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, तभी मैं कह रहा हूं तुम जो सोच रहे हो वो सही है. ऐसा है, अगर मैंने इन पांचों को बराबर बराबर पावर दे दी पूरे लेवल पे, क्या बोलते हैं उसको, डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफिशियल चल रहा है, लेकिन बॉस ने क्या किया, स्पेशली किसी एक को एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज कर दिया काम, उससे भी उसमें कॉन्फिडेंस आ गया. यार वही बात जो मैंने बताई थी कि टीचर ने बोला बेटा मेरा पर्स उठा लो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, क्या यार मैं तो खास हो गया टीचर का यार. नहीं, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं है. हाँ जी, तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या बोलता है, इट मे बी डिसेंट्रलाइजेशन, इट मे बी डेलीगेशन. एक लाइन क्लियर कर दी हुई है, पावर टू सबॉर्डिनेट फील दैट देयर जॉब इज इंपॉर्टेंट. तो अगर डिसेंट्रलाइज है तो पूरे लेवल का जॉब इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसेंट्रलाइज तो है ही, उसके ऊपर से बॉस ने स्पेशल और पावर दे दी. स्पेशल और पावर दे दी, क्या हो गया, ठीक है ना. तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एज पर नीड वो समझना पड़ेगा कि बुक में ऐसा क्या दिया हुआ है. क्या बोलते हैं इसको, एम्प्लॉई एम्पावरमेंट करना. एम्पावर का मतलब उसे ज्यादा अथॉरिटी देना, इधर इन द फॉर्म ऑफ डेलीगेशन. लेकिन डेलीगेशन में सबको दी जाएगी. हाँ भाई, ध्यान देना, डेलीगेशन में सबको दी जाएगी तो उसको स्पेशल फील क्यों आएगा, सबको फील आएगा. सॉरी, दो बातें, डिसेंट्रलाइजेशन में सबको दी जाएगी पावर तो क्या होगा, सबको स्पेशल फील आएगा, लेकिन हमें तो किसी एक को फील कराना ना स्पेशल, तो इसका मतलब डेलीगेशन के साथ उसे क्या दे रहे हैं अलग से. और सॉरी, टाइम पूरा हो गया ना, दिमाग काम नहीं कर रहा. डिसेंट्रलाइजेशन के साथ उसे और क्या दे रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिससे वो स्पेशल फील करेगा. क्या बात है, मेरे पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है साहब, ओके, थैंक यू.